News. नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS News Live। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। दो नाबालिग का कुराडी से अपहरण, खासदार क्रीड़ा महोत्सव स्थगित, इमारत से गिरकर कामगार की मृत्यु। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। इन दिनों नागपुर में नाबालिगों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोराडी इलाके में दो नाबालिग भाई बहन को झांसा देकर अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता की 17 वर्षीय बेटी और 14 वर्षीय बेटा है। 22 दिसंबर की दोपहर 2 बजे लकड़ी लाने के लिए घर से गए थे, लेकिन दोनों घर पर वापस नहीं लौटे। फरियादी को अज्ञात आरोपी द्वारा झांसा देकर भगाए जाने की आशंका है। कोराडी पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपहरण का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर, महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देशों के चलते प्रस्तावित खासदार क्रीड़ा महोत्सव को अगली तिथि तक स्थगित कर दिया गया है। महोत्सव के मुख्य संयोजक संदीप जोशी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खिलाड़ियों और नागरिकों को सुरक्षा के चलते आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन जनवरी 2022 से किया जाना था। अगली खबर, हुड़केश्वर के पिपला गांव रोड पर निर्माणाधीन इमारत से गिरकर 63 वर्षीय कामगार की मौत हो गई। मृतक भांडेवाड़ी पार्टी निवासी झनकलाल मोहनलाल टोमरे है। पिपला गांव रोड पर श्री लक्ष्मी प्राइम बिल्डर की इमारत का निर्माण काम चल रहा था। यहां शनिवार को दोपहर 12:15 बजे टोमरे काम के दौरान नीचे गिरकर जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर हुड़केश्वर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।